इस वीडियो में मैं चार ऐसी वेबसाइट बताने जा रहा हूँ जिसमें आपकी जॉब इंशाल्लाह ताला यकीनी मिलेगी आपको। आप चाहते हैं बगैर पैसे इन्वेस्ट किए, बगैर किसी को फीस दिए आप जॉब हासिल कर सकें लग्जमबर्ग की। इस वीडियो में लग्जमबर्ग एयरपोर्ट ने भी वैकेंसीज ओपन की है, वो वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा कि उस पर किस तरह आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप लग्जमबर्ग में जॉब हासिल कर लेते हैं तो 5 साल बाद आप लग्जमबर्ग की पीआर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बाद आपको वहाँ की पीआर और नेशनैलिटी मिल जाती है। अगर आप लग्जमबर्ग में अप्लाई कर करके थक चुके हैं और किसी भी कोई सोर्सेज से आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, तो ये जो सी वेबसाइट मैं बताने जा रहा हूँ इसमें आपको इंशाल्लाह ताला यकीनी जॉब मिलेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है बाबर अली और आप देख रहे हैं स्टडी इन यूरोप। दोस्तों, जो सा आपने लग्जमबर्ग के बारे में काफ़ी वीडियोस देख चुके होंगे लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे स्टार्ट करें, और आपने कुछ लोगों ने तो यूरोप पास सी भी बना के अप्लाई भी किया होगा लेकिन उनको रिस्पांस नहीं आया होगा, तो उसकी जो सी प्रोज एंड कॉन्स है वो मैं आपको बताता हूँ। और इस वीडियो के एंड पे मैंने चार ऐसी वेबसाइट न्यू हंट की हैं आपके लिए जिसमें आपको जो सी है जॉब यकीनी मिलने के चांसेस हैं 100%। और ये वेबसाइट अभी किसी यूट्यूबर ने नहीं बताई जो कि मैं बताने जा रहा हूँ, तो वीडियो को ध्यान से देखें और वो वेबसाइट को जो से मैंने आपके लिए हंट की है उनमें भी अप्लाई करने का तरीका भी देखें। वो वीडियो के सारा एंड पे हमने सारा स्टेप बाय स्टेप जो सी वेबसाइट्स हैं वो बताई गई हैं, तो उन वेबसाइट्स को आपने अपने लैपटॉप पे ओपन करना है और उन वेबसाइट पे आपने स्टेप बाय स्टेप अपनी जो सी स्किल्स है उसमें सर्च करनी है और जितनी भी जहाँ वहाँ पर जॉब्स हो उसमें अप्लाई करना है। तरीकाकार सिंपल है, अब मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं। आपने काफ़ी वीडियो भी देखी होंगी कि यूरोपास की सीवी कैसे बनाते हैं और उसमें क्या क्या आपने ऐड करना होता है। मिसाल के तौर पे मैं एक शेफ़ का मिसाल ले लेता हूँ। अगर शेफ़ की अगर आप सीवी बनाना जा रहे हैं तो उसकी जो सी स्किल्स होनी चाहिए कोई तकरीबन 4 से 5 साल की स्किल्स होनी चाहिए और स्पेशलाइज होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सोस या पेस्ट्री होता है, इस तरह का कोई शेफ़ होता है, या फिर रशियंस फूड बनाने में स्पेशलिस्ट हो या चाइनीज़ फूड बनाने में स्पेशलिस्ट हो शेफ़, तो इस तरह के शेफ़ को जो सी जॉब मिलेगी वहाँ पे। पाकिस्तानी जो से शेफ्स हैं उनकी कहीं कहीं डिमांड होती है तो वहाँ पे वो अप्लाई करें पाकिस्तानी यानी कि एशियन फूड्स का। मिसाल के तौर पे थाईलैंड में रिक्वायरमेंट होती है या उसके अलावा मलेशिया में रिक्वायरमेंट होती है पाकिस्तानी फूड की, दुबई में होती है, तो इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रख के आपने अप्लाई करना होता है। तो जो सी है एडिको वगैरह, LHH और इस तरह की जो सी फेमस वेबसाइट है, 5 से 6 वेबसाइट हैं जो कि हर यूट्यूबर वही यानी कि घुमा फिरा के वही जो सी है वेबसाइट आपको देता है, लेकिन उसमें इतनी अप्लाई करने की है कि लोगों की स्ट्रेंथ है कि वो उनके पास ओवरलोडेड एप्लीकेशन हो गई हैं जिसकी वजह से आपका नंबर नहीं आ रहा। और मैंने भी इसीलिए लिंक नहीं दिए, वेबसाइट के लिंक नहीं दिए कि हमें भी फिर उनकी तरफ से मेल्स आती हैं कि आप अप्लाई ने हमारी वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है और इसको आप रिमूव करें, अगर हम रिमूव नहीं करते तो देन वो फिर अपना यूट्यूब से कॉन्टेक्ट करके हमारे चैनल पे स्ट्राइक भी भेज सकते हैं। तो ये जो सी चीज़ें हैं इसको हम मद्देनज़र रखते हुए हमने वीडियो बनाते ही जो सी है वेबसाइट के लिंक्स नहीं दिए, सिर्फ हम जो से एंड तक जो सा वीडियो देखेगा उसको पता लग जाएगा कि गूगल पे किस तरह जाके कौन सी वेबसाइट हंट करनी है और किस तरह अप्लाई करना है। तो ये है दोस्तों कि आपको अपनी जो सी स्किल्स है उसमें एक्सपर्टीज होनी चाहिए और उसके अलावा 6 से 7 ऐसे आपने सेंटेंस लिखने हैं कि जो कि आप सर्च करते हुए जॉब सर्च करते वक्त देखते हैं कि उन्होंने लिखे होते हैं, वहीं से आपने कॉपी पेस्ट करना है। किसी भी वेबसाइट से चले जाएँ, इंडीड पे चले जाएँ, लिंक्डइन पे चले जाएँ, वहाँ पे जॉब्स अगर शेफ्स की हैं तो उन्होंने साफ तौर JDs की मेंशन की होती है, JDs वहाँ से कॉपी पेस्ट करें, कॉपी करें और अपनी CV में यूरोपास में पेस्ट कर दें और उसमें से थोड़ी सी अपनी जो सी एक्सपीरियंस के मुताबिक अमेंडमेंट कर लें, तो देन आपकी जो सी है सॉलिड CV बन जाती है जो कि यूरोपास के स्टैंडर्ड के मुताबिक होती है। ठीक हो गया, इतना काम करने के बाद आपने जो सा है अप्लाई करना है अपना वेबसाइट्स पे। वेबसाइट के मैं जो सी है 4 वेबसाइट दी हैं, उन पे आपने चले जाना है, कवर लेटर CV वहाँ पे अप्लाई करते जाना है और
और इसी तरह आपने तकरीबन प्रैक्टिस करनी है, होमवर्क समझ लें या प्रैक्टिस समझ लें, ये तकरीबन 6 मंथ तक आपने करना है। तो चले हम सिस्टम पे चलते हैं और आपको वेबसाइट्स बताते हैं और उन पर पढ़ाई करने का तरीका भी बताते हैं। जी तो सबसे पहली वेबसाइट है lux-airport.lu। तो ये वेबसाइट है, ये आपको इसी तरह मिलेगी। आप जब आप ओपन करेंगे तो ये वाले सेक्शन में आपने आना है और इस पे आपने कैरियर्स लिखना है। मैंने पहले वो जो सा खोल के रखी है वेबसाइट, लेकिन आपको बताने के लिए ये आपने कैरियर्स करके और इसको पीछे करके यहाँ पे आपने ये सर्च वाले बटन को क्लिक कर लेना है। तो ये वैकेंसीज ओपन हो चुकी होंगी आपके लिए। कैरियर एंड जॉब्स आएगा, होम इंटेक्स हो जाएगा, कैरियर एट द एयरपोर्ट पे आ जाएंगे। एयरपोर्ट की जो सी पोजीशन में, जो सी कैटेगरीज में लोग काम करते हैं उनके लिए ये जॉब्स हैं, ये हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। और इधर आपने अप्लाई कर देना है, ठीक है। ओपन पोजीशन पे हम क्लिक करेंगे। ओपन पोजीशन पे हम जाके देखेंगे क्या 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 पोजीशन हैं अवेलेबल आपके लिए, तो उनमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देखिए पाकिस्तान में भी आप काफी जगह पे सीवी ड्रॉप करते हैं, तो उसके बाद ही कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू होता है और देन आप जॉब हासिल करते हैं। तो यूरोप में भी यही तरीका होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप 4-5 सीवी ड्रॉप करें तो आपको कॉल आए इंटरव्यू भी और आप हायर ना हो तो आप फिर क्लेम करें भी यूरोप में जॉब नहीं मिलती, तो ऐसा नहीं होता। तो इस तरह अगर आप सोचेंगे तो इंडिया पाकिस्तान में भी जब आप जॉब के लिए अप्लाई जाते हैं तो साल भर अप्लाई करते रहते हैं, फिर जाके कहीं आपको एक अच्छी जॉब मिलती है। तो ये है, यू हैव कम टू द एयरपोर्ट टू फ्लाई बट इट वन, ये है, ये आप पढ़ लीजिएगा। वही है, मोर देन 350 एम्प्लॉयज चाहिए इनको, 350 एम्प्लॉयज। अच्छा, एयर साइड वर्क एम्प्लॉयज चाहिए, ये जो सी एयर साइड की है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव जो सा सिस्टम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में चाहिए लक्ज़मबर्ग में, बिजनेस एविएशन सेंटर चाहिए जो सा लक्ज़मबर्ग में, एरोड्रोम सेफ्टी एनालिस्ट चाहिए लक्ज़मबर्ग में। तो ये वो जो सी व्हाइट कॉलर जॉब्स हैं और ये जो सी सारी एयर एविएशन की जॉब्स हैं इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। ये लक्ज़मबर्ग में आ रहा है, इसमें अप टू 4 पेजेस तक हैं। तो पहला तो ये पेज आ गया, ये वेबसाइट आ गई जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं अपनी फील्ड के मुताबिक। और ये भी याद रखेगा कि जिसने बीए किया वो भी उठ के अप्लाई करता रहे तो उसका एक्सपीरियंस ना हो तो फिर नहीं आएगा उसकी जॉब, तो फिर आप क्लेम ना किसी को करें। आपने उसके मुताबिक उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेना है, वो फुलफिल करते हैं तो देन आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी वेबसाइट है मॉर्गन फिलिप्स की ग्रुप्स, ये मॉर्गन फिलिप्स का पाकिस्तान में भी है ग्रुप, इंडिया में भी है। तो कैंडिडेट्स क्लिक से रिक्रूट असेसमेंट टैलेंट, ठीक है, ये आपने करना है। ये काफी इसका जो सी है बायोडाटा आप नीचे करके पढ़ भी सकते हैं। टैरा में जाना तो ये है, फैटी रिक्रूटमेंट में है ये है, और जो सा है आपने इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट क्लिक हेयर हमने यहाँ पे करना है, कैंडिडेट्स जो से अप्लाई करने वाले होते हैं उसको भी कहा जाता है। तो यहाँ पे morganphillips.com पे आपने आ जाना, ये जॉब्स के जो सा है पोर्टल उन्होंने ओपन कर दिए। एप्लीकेशन इसको स्किप करें, फाइंड जॉब्स पे आ जाना है आपने, ठीक है। ये 44 जॉब्स इन लक्ज़मबर्ग में, अच्छा ये वाइट कॉलर और एलीट क्लास जॉब्स हैं जो कि बहुत बड़े रैंक में होते हैं, जीएम लेवल की, रेगुलेटरी लीगल डायरेक्टर एफ ओवर एम यानी कि मेल और फीमेल दोनों है, परमानेंट जॉब है लक्ज़मबर्ग में, ठीक है। ग्रुप इंटरनेशनल एडिटर एफ एम रियल स्टेट में चाहिए लक्ज़मबर्ग में। इस तरह और भी जॉब्स हैं इनके पास, फाइनेंशियल कंट्रोलर इंटरनेशनल कंपनी लक्ज़मबर्ग में चाहिए इनको, ठीक है। टैक्स कंप्लायंस, ये सारी वो एलीट क्लास जॉब है जो कि हाई रैंक जॉब है जो कि पाकिस्तान में इसके लोग काम कर रहे हैं। रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, ये भी पाकिस्तान में अवेलेबल है, तो ये कंसल्टेंट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। कमर्शियल सॉल्यूशन एडवाइजर, ये मेल और फीमेल हेल्थ केयर में ये जो से इस फील्ड से जो से रिलेटेड है वो कर सकते हैं, ठीक हो गया। ये जो से आपने अपने जो से है कैटेगरी के मुताबिक जॉब सर्च कर लेनी है। इस पे दो वेबसाइट होंगी, तीसरी वेबसाइट पे चलते हैं हम। ये है मॉर्गन फिलिप्स होगी, अच्छा ये hairs.lu, इसमें आपने आ जाना है। इसमें जॉब्स अवेलेबल है, ये देखिए मैंने जॉब्स का
सेक्शन ओपन किया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके वेबसाइट के लिंक इधर से पढ़ के आप गूगल क्रोम पे जाके या गूगल पे ओपन कर सकते हैं। ऑटोमेशन टेस्टर सॉफ्टवेयर कंपनी में चाहिए जी इनको, लक्जमबर्ग में, ठीक है। और इसके बाद डायरेक्टर चाहिए मेल फील्ड लक्जमबर्ग में, लैंडस्केप आर्किटेक्ट लक्जमबर्ग में चाहिए, ठीक हो गया। हेल्थ एग्जेक्टिव लक्जमबर्ग में चाहिए। इसको जरा ऊपर करके हम मैं थोड़ा सी स्क्रोलिंग आपको बता दूं क्या क्या है इसमें। अच्छा, इसकी आई थिंक उसने डेली मिशन लिखा हुआ है, जेडीज वगैरह, ये जॉब रिक्वायरमेंट उन्होंने, परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक हो गया। रिक्रूटमेंट, ये आपने पढ़ लेनी है ये चीज़ें, ठीक है। ये चीज़ें आपको ज़रूरी है कि पढ़ें तो तभी आप समझ सकते हैं कि किस टाइप की जॉब है और आप एलिजिबल होते हैं कि नहीं होते, ठीक हो गया। डेली जो से टास्क इसमें वही जेडीज आ जाती हैं जो कि आपने परफॉर्म करनी है डेली। कोऑर्डिनेट जो सा करना है आपने, कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द केयर टीम को करना है, डेवलप एंड ऑर्गेनाइज केयर प्लानिंग, कोऑर्डिनेट द डेली एक्टिविटीज, ब्ला ब्ला ब्ला, कैरी आउट लेसन वर्क, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द नेटवर्क। ये वही चीज़ें हैं जो से आपकी डेली प्रैक्टिस जेडीज होती हैं वो आपने करनी है, ठीक हो गया। चले जी, फोर्थ वेबसाइट पे चलते हैं हम। ये फोर्थ वेबसाइट है ldi.be, इसमें ये जो से ये भी जॉब्स हैं इसके लिए। ये पोर्टल आपने जॉब्स के वाले पोर्टल में चले जाने, मैंने पहले खोल के रखा हुआ है तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं जॉब वाले पोर्टल्स पे जाता हूँ। आपने जॉब्स का पोर्टल सर्च कीजिएगा जो मैंने स्टार्ट पे बताया, तो उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें भी। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, वेबसाइट तीन है, मैं इसीलिए थोड़ा सा आपको समझा दूं। इसका भी वैसे है और इसका ये स्क्रॉल करें, ये जो सी जॉब्स फॉर ऑल इसमें आएगा, इसको आपने ट्रांसलेट कर लेना है। यहाँ से ले जाएंगे तो ये आपको ट्रांसलेट हो जाएगी, यहाँ से ऐसे ट्रांसलेट होगी इंग्लिश में, ठीक है। और ये आज जॉब फॉर एवरीवन, इसको आपने ओपन कर लेना है। जॉब ऑफिस क्या कर रहे हैं जी, ओपन करें इसको। ये जॉब्स के सेक्शन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। इसको फिर अगेन आपने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, ठीक हो गया। ये ऑटो लगाया हुआ है तो मेरा तो हो गया। यहाँ पे जॉब्स हैं, ये जॉब ऑफर स्टार्ट एंड सेल्स एसोसिएट, आप सेल्स एसोसिएट भी कर सकते हैं अप्लाई। स्टार्ट एंड असिस्टेंट स्टोर मैनेजर, ये अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह ये जो से मेगा स्टोर वाले काम करते हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी वैकेंसीज हैं इनके पास भी। स्टार्ट एंड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर, ठीक है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट नो एज ए फ्लाइंग कोलैबोरेटर, ये भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी तरह आप अप्लाई करते हैं, देखेंगे किसी से आप अप्लाई करेंगे तो आप उसका टाइम बाय कर रहे हैं, तो उसका अगर आप टाइम ले रहे हैं तो उसको आपने पे बैक करना है। तो अगर आप हमसे अप्लाई करते हैं तो हमने सीवी और आपके अप्लाई करने अप टू दो मंथ के लिए उसका 6,000 रखा है, 1,000 सीवी बनाने का और 5,000 दो महीने के लिए आपकी जॉब अप्लाई करने का। हमने भी यही काम करना है, बेहतर है कि आप खुद काम करें और अपनी जॉब हासिल करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।